मैंने बहुत कुछ कर करके सीखा है जीवन में। तो सफलता का ना कोई फॉर्मेट या टेम्पलेट नहीं है कि वो ऐसे ही मिलेगी, यानी कि जो जिस तरीके से मैं सफल हुआ इसको कॉपी करो और आप भी सफल हो जाओगे, ये कोई जरूरी नहीं है, इसका कोई टेम्पलेट नहीं है। तो जो मैंने किया और जैसा मैं सोचता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मेरा मानना यह है कि जब तक मैं पढ़ रहा था अपने जीवन में तब तक मैं कुछ नहीं कर रहा था, जब मैंने अपने दिल का किया तो मैंने बहुत कुछ कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि जिसमें हम बेस्ट हैं और जो हमें समझ में आता है कि ये बेस्ट है हमें वही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, राइट। हम लोग दोस्तों को देखते हुए कुछ करना शुरू कर देते हैं। मैं अक्सर देखता था कि जब मैं 12th क्लास में आया तो सारे कॉमर्स में जाए, मैं भी कॉमर्स में जाऊंगा। कोई कहता था कि वो साइंस कर रहा है, मैं भी साइंस करूंगा, फिर लोग सब्जेक्ट चेंज करते थे, राइट। शायद मैं भी ऐसे ही रहा, मैंने बीकॉम की और बीकॉम करने के बाद मैं वापस इंजीनियरिंग की तरफ मुड़ा, क्योंकि मुझे अपना पैशन वहां दिखता था। आज आप लोग जहां खड़े हो, आप एक ऐसी जगह खड़े हो जहां पर आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, अभी आप किसी भी तरफ जा सकते हो, राइट। तो सिर्फ उसको फॉलो करो जो आपको लगता है कि वो आपका पैशन बन सकता है, जो पैशन बन सकता है उसी में आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। तो मेरा कहना है पैशन कुछ भी हो लेकिन वो लीगल कंप्लायंसेस में और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में होना चाहिए, ये जरूर कोशिश करो। पैशन को फॉलो करते हुए जो ध्यान रखो कि हम कहां रह रहे हैं और हमें क्या फॉलो करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तीसरी बात जो मैं समझता हूं वो यह है कि नेटवर्क जरूर बनाओ, अपने लिए लोग तैयार करो, या वो आपके ऊपर हो जो आपको मेंटरशिप कर पाए या आपके नीचे हो जो आपके लिए काम कर पाए। अगर हम ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर पाए अपने जीवन में तो हम कुछ भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसके एग्जांपल इस दुनिया में बहुत सारे हैं, रिलायंस, टाटा, बिरला, इन सब ने ऐसा ही कुछ क्रिएट किया। आप किसी की भी जीवनी पढ़ेंगे, आप किसी की भी बिजनेस के प्रोफाइल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इन्होंने यही सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने पैशन को फॉलो करके किया, राइट, और कंप्लाइंसेस के अंदर किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंपनी बन गए। तो यहाँ बैठे हुए लोगों में से ही बहुत सारे एंटरप्रेनर मुझे नजर आते हैं जो बन सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है, जब मैंने ये कहा कि मुझे नजर आते हैं का मतलब यही नहीं है कि मुझे वो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि आंखें बंद करके कहीं भी हाथ डालो कोई ना कोई जो निकलेगा वो कर ही लेगा। हम सब पैशनेट हैं, बस फॉलो ठीक ठीक कर लें तो कर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, ये मेरी सच्चाई है।